हेलो दोस्तों, इस रंग बिरंगी दुनिया में हम ज्यादातर अंडों का एक ही रंग देखते हैं, वह है सफेद। लेकिन अगर हम आपसे कहें, इस दुनिया में कई ऐसे भी अंडे पाए जाते हैं जिनका साइज तो अलग होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही कलरफुल होते हैं। दरअसल आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे सुंदर और अनोखे अंडों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही आपने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। नंबर 6, सी हॉर्स एग। समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसके अंडे देने के प्रोसेस के बारे में पता है? मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है। नर सी हॉर्स, जिसके सामने की तरफ एक बर्थ पाउच होता है। मादा सी हॉर्स के अंडे देने के बाद नर सी हॉर्स उन अंडों को अपने बर्थिंग पाउच में 9 से 45 दिनों के लिए रखता है। जब ये अंडे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो नर सी हॉर्स उन अंडों को अपने पाउच से बाहर निकाल देता है। जब इस पाउच से बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये नजारा देखने वाला होता है। नंबर 5, रॉबिन एक। रॉबिन नाम की यह चिड़िया देखने में जितनी सुंदर लगती है, उसके अंडे भी उतने ही सुंदर होते हैं। जहाँ आमतौर पर छोटी पक्षियों के अंडे सफेद होते हैं, वहीं रॉबिन पक्षी के अंडे नीले रंग के होते हैं। जी हाँ, इन अंडों के कारण ये सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। आपको बता दें कि मादा रॉबिन एक बार में 4 से 5 अंडे देती है, मगर इसे एक अंडे देने में एक दिन का समय लगता है। मादा रॉबिन अंडे सेने का कार्य करती है, वहीं नर रॉबिन खाने की व्यवस्था करता है। इन अंडों में से बच्चों के निकलने में 12 से 16 दिनों का समय लगता है। ये पक्षी साल में एक बार ही अंडे देती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यह चिड़िया ब्रिटेन की राष्ट्रीय पक्षी भी है। नंबर 4, टीना माऊ एक। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला टीना माऊ पक्षी भी अपनी खास तरह के अंडों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह पक्षी किसी एक रंग का अंडा नहीं देती, बल्कि टीना माऊ के अंडे ब्लू, ग्रीन, ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं। हालांकि यह अंडे देखने में मुर्गियों के अंडे के जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसके अंडों का रंग सबसे अलग होता है, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कहीं इसे ऊपर से कलर तो नहीं किया गया है। वैसे टीना माऊ के बारे में यह बात भी बता दें कि इस पक्षी के अंडों के साथ साथ इस पक्षी को देखने के लिए क्रिसमस के भरोसे रहना होगा, क्योंकि यह पक्षी दुनिया के सबसे रेयर पक्षियों में से एक है। नंबर 3, सदर्न कैसवरी एक। कैसवरी को दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। ये साइज में भले ही शुतुरमुर्ग और इमू जैसे पक्षियों से छोटे होते हैं, लेकिन ये खूंखार होने के मामले में सबसे आगे हैं। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, वह इसके अंडों का रंग। दरअसल सदर्न कैसवरी के अंडे सफेद नहीं बल्कि हरे रंग के होते हैं। एक मादा कैसवरी एक बार में 3 से 6 अंडे देती है, जिसका साइज दूसरे पक्षियों के अंडे के मुकाबले काफी बड़ा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, सदर्न कैसवरी के अंडों की लंबाई 13 सेमी तक और इसका वजन 650 ग्राम तक हो सकता है। इन अंडों का देखभाल नर कैसवरी करता है। यह अंडों से चूजे निकलने तक उसकी देखभाल करता है। अगर अंडों पर कोई खतरा महसूस होता है तो ये हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। नंबर 2, बीटल एक। बीटल एक ऐसा कीड़ा है जिसे आप पेड़ की पत्तियों पर मंडराते हुए देखा ही होगा। ये कीड़ा अपने खास तरह के अंडों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल इसके अंडे काफी अलग होते हैं और काफी हद तक पारदर्शी होते हैं। कमाल की बात यह है कि इन अंडों का साइज किसी कैप्सूल की तरह दिखता है। इसके अलावा इन कीड़ों के अंडे देने का तरीका भी काफी अलग होता है। दरअसल यह बीटल पत्तों के पीछे अंडे देती है, और वो भी एक कतार में। बीटल के अंडे आमतौर पर भूरे या नारंगी रंग के होते हैं। एक मादा बीटल एक बार में 100 अंडे और पूरे जीवन काल में 500 अंडे देती है। इन अंडों में से लार्वा को बाहर निकलने में 7 से 10 दिनों का समय लगता है। जैसे जैसे लार्वा बाहर निकलने लगते हैं, वैसे वैसे ये पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कुछ बीटल 30 दिनों में तैयार हो जाते हैं तो कुछ को अधिक समय लगता है। नंबर 1, शार्क एक। क्या आपने आज से पहले ऐसी चीज देखी थी? शायद किसी ने देखी हो, क्योंकि यह कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या शार्क भी अंडा देती है? तो हम आपको बता दें कि शार्क की 70% आबादी बच्चे को जन्म देती है, जबकि 30% आबादी अंडे देती है। इन अंडों की बाहरी सतह काफी कठोर और हल्के पीले रंग की होती है, और इस अंडे के अंदर आप बच्चे को भी देख सकते हैं। इसकी खास बनावट के कारण इसे मरमेट पर्सेस भी कहा जाता है। शार्क अंडे देने के बाद अंडे को छोड़कर चली जाती है। 7 से 12 महीने बाद अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। इनमें से कुछ अंडे पानी के साथ बहकर समुद्र के बीच के किनारे आ जाते हैं। अभी तक शार्क के सबसे बड़े अंडे का साइज 14 इंच तक दर्ज किया गया है।